नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर है, सीएम योगी की बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है। शाम को 7 बजे सीएम आवास पर समीक्षा बैठक होगी। होली और अन्य त्योहारों को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शिरकत करेंगे, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चले ग्राम जीरो का रुख करते हैं। अनूप जुड़ गए हमारे साथ में। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? होली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर समीक्षा बैठक होने वाली है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद जुड़ने वाले हैं। देखिए पूजा, आगामी होली और बारहफात त्योहार दोनों एक साथ होने हैं, चूंकि 8 तारीख को बारहफात है और 7 तारीख को होली मनाई जाएगी, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में रंग में भंग न होने पावे इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 7 बजे बैठक करेंगे। उसमें सातों जो कमिश्नर प्रणाली है उनके कमिश्नर जुड़ेंगे और बाकी जो जिले हैं वहाँ के कप्तान जो और ASP और साथ ही साथ जो प्रशासन के अधिकारी हैं, DM हो या फिर नगर निकाय के अधिकारी हों या फिर बिजली विभाग के अधिकारी हैं, क्योंकि त्योहार के मद्देनजर ये भी आदेश दिए गए हैं कि बिजली आपूर्ति में किसी प्रकार की किसी दिक्कत न हो और खासकर जो जो हुड़दंगियों पर विशेष नजर रखी जाएगी, क्योंकि त्योहार के मद्देनजर कोई कानून व्यवस्था खराब न होने पावे लगातार। हालांकि विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं विधानसभा सत्र में, तो इसको लेकर एक बैठक है। बैठक में तमाम जो जिले भर के अफसरान उसमें शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश देंगे। अभी हाल में ही देखा आपने, 2-3 घटनाएं बहुत बड़ी हो गई, का प्रयागराज की बात करें या अमेठी की बात करें, तो इन सब चीजों को लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक और आगामी त्योहार में किस तरीके से कानून व्यवस्था रहे, जिला प्रशासन किस तरीके से काम करे ताकि जनता को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और त्योहार खुशहाली से मनाया जाए और सभी एक दूसरे से मिलकर मनाए, तो इस एक व्यवस्थाओं को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठक करेंगे। इसमें प्रदेश भर के जिला जो अधिकारी होंगे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़ेंगे और अपने जिले की जो अपडेट देंगे और आगामी जो त्योहार को लेकर मुख्यमंत्री जो भी निर्देश देंगे उनको पालन करेंगे। पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अनूप जुड़े, जिन्होंने बताया साफ तौर पर कि किस तरीके से आगामी त्योहारों के मद्देनजर अहम बैठक होने वाली है, समीक्षा बैठक है जिसमें प्रदेश भर के तमाम आला अधिकारी भी जुड़ने वाले हैं और बताएंगे कि जिलों में किस तरीके से अपडेट चल रही है। इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एयरपोर्ट निदेशक के नाम से धमकी भरा पत्र मिला है, बिहार से ये धमकी भरा पत्र आया हुआ है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पत्र मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, फूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एयरपोर्ट निदेशक के नाम से धमकी भरा पत्र मिला है और ये पत्र बिहार से आया है। चलिए ग्राम जीरो का रुख करते हैं। धर्मेंद्र चौबे जुड़े हुए हमारे साथ में। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? ये पत्र किसने लिखा, अभी तक इस बात की जानकारी है पुलिस प्रशासन के पास? वाराणसी एयरपोर्ट के जो मुख्य सुरक्षा अधिकारी शक्ति त्रिपाठी है, उन्होंने एक एप्लीकेशन लिया है जिससे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस कमिश्नर के आदेश से FIR पंजीकृत कर और जितनी भी इंटेलिजेंस विंग है उनको लगा दिया है कि ये पत्र जो आया हुआ है, जो ये धमकी है, कितने तथ्यों में सच्चाई है नहीं है, और इस तरीके की लगातार धमकियां कई बार आ चुकी भी हैं, तो क्या ये फेक है या अभी स्पष्ट हो पा, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया, उसके साथ साथ वाराणसी पुलिस अलर्ट मोड पे है और इस जो पत्र मिला है इसकी पूरी तरह से जांच की जा रही है कि पत्र का तथ्य क्या है, क्योंकि होली पे धमकी दी गई है कि होली के समय ड्रोन के माध्यम से बम से उड़ाया जाएगा, तो उसके लिए प्रशासन, वाराणसी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है और कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल वगैरह भी की जाएगी, जो सुरक्षा एजेंसी है एयरपोर्ट की वो भी करेंगी और वाराणसी पुलिस भी कर सकती है संयुक्त मॉक ड्रिल, और एयरपोर्ट की सुरक्षा को परखने के लिए वाराणसी के आला अधिकारी भी पहुंच सकते हैं मौके पे, तो कहीं ना कहीं जो तथ्यों की बात की जा रही है, तथ्यों को संभालने की बात है कि इस पत्र में कितनी सत्यता है और कितनी असत्यता है। पूजा, धर्मेंद्र, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की बात आप बता रहे हैं कि ड्रोन के जरिए धमाके का जिक्र हो रहा है, तो ड्रोन के जरिए अगर धमाका होता है या ड्रोन जैसी कोई और चीज को नियंत्रित करने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्या इस पर अभी किसी तरह का कोई प्रकाश डाला है प्रशासनिक अधिकारियों ने? वाराणसी पुलिस पूरी तरह से ड्रोन की जो बात की गई है, इससे आला अधिकारियों से बात की गई, उनका कहना है कि
अगर ड्रोन की बात आएगी, ड्रोन से उड़ाने की बात, अगर इस तरीके का कोई सामने आता है तो इसके लिए वाराणसी पुलिस और उसके साथ साथ जो एयरपोर्ट सुरक्षा है पूरी तरह से मुस्तैद है। और कहीं ना कहीं वाराणसी पुलिस लगातार कई ऐसे मामलों को विफल करने में सफल भी रही है, पूर्व का इतिहास रहा है। जैसे कि 2006 में जो बम ब्लास्ट हुए था लगातार किलेवार, तो उसमें भी वाराणसी पुलिस ने सफलता पाई थी और बम को डिफ्यूज किया था। तो उस तर्ज पे वाराणसी पुलिस पूरी तरह से पूजा मुस्तैद है और वाराणसी पुलिस ये भी दावे कर रही है अगर इस तरीके की कोई घटना करने की कोशिश करेगा तो उसे पूर्णतया विफल किया जाएगा। और इस पर तत्काल प्रभाव से पुलिस की जो इंटेलिजेंस विंग लगी है और तत्काल जांच कराई जा रही है और अगर इसमें कुछ तथ्य सामने आता है तो तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। पूजा चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है और हर एक मंसूबे को विफल करने की बात कही जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि बजट पर विधानसभा में विपक्ष को करारा जवाब देने के बाद आज सीएम योगी ने विधान परिषद में बजट पर चर्चा करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। उनका फोकस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर रहा। उन्होंने कहा कि हमने फरवरी 2018 में यूपी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, 2023 में फिर से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट किया गया। पहले जहां 4.68 लाख करोड़ के प्रस्ताव आते थे, आज उसी यूपी में 35 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए हैं। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में लाखों करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके लिए अभियान चलाना पड़ा है। हमारे पास आज बेहतर कनेक्टिविटी है, एक्सप्रेसवेज है, रेल नेटवर्क है, एयर कनेक्टिविटी है। हमने आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि सेक्टोरल पॉलिसी बनाई है, उसमें कार्य योजना बनाकर अपने परिश्रम को आगे बढ़ाया है। पॉलिसी बनाई गई है, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाई गई है, यानी कि हर वो संबल देने का प्रयास किया गया है जिसके लिए निवेश आकर्षित हो। G20 की समिट की बात कर रहे थे, जाति की बात कर रहे थे, जब हम बजट की चर्चा की बात कर रहे थे और उनके सुझाव मांग रहे थे तब जाति की बात कर रहे थे। इस सब जानते हुए कि इसी कारण से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, इन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट पड़ा हुआ है। पहचान का संकट, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था पहचान का संकट, लोग बताते नहीं थे, नौजवान बताता भी नहीं था। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग उत्तम शिक्षा देने जा रहे हैं और इस सरकार पूरा खर्चा उन बच्चों को देगी, लॉजिंग फूडिंग की सारी सुविधा बच्चों के लिए। हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके भविष्य को अच्छा बनाना हमारा दायित्व है, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं और हमारी सरकार इसको कर रही है। इसको हर विकास खंड स्तर पर, हर न्याय पंचायत स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। बजट से क्यों हम ऋण के माध्यम से देते हैं और 23-24 में जो बजट प्रस्तुत किया गया है घट कर मात्र 16-30 भी हम ऋण लेकर के करेंगे, सिर्फ अपने स्वयं के और सोच से बजट का पूरा पैसा हम लोग खर्च करवाएंगे। पहले बजट का 8% जो भाग होता था वह ऋण के ब्याज चुकता करने में होता था, आज एक घट करके मात्र 6% तक आने जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश की नई प्रोग्रेस को दिखाता है, उत्तर प्रदेश एक सही दिशा में आगे बढ़ चुका है। केंद्र के निर्णय के बाद राज्यों में उबाल देखने को मिल रहा है। हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार ने एक बार फिर से घरेलू गैस के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए। इस वजह से पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। इसी के तहत लखनऊ में कांग्रेस पार्टी ने आज भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। मौके पर मौजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा, होली पर आम लोगों को सरकार ने महंगाई का तोहफा दिया। साथ ही उन्होंने दफ्तर के बाहर छावनी बना दिए जाने पर नाराजगी भी जाहिर की। इससे कांग्रेस नेता प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से विधानसभा तक पैदल मार्च नहीं कर सके। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया है कि वो सरकार की महंगाई और भ्रष्टाचार से भरी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। और सर, इसकी जवाबदेही किसकी है? क्या स्मृति ईरानी जी कहाँ है? निकलकर सामने क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं बताती जनता को ये सिलेंडर के प्राइस क्यों लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं? आज ये जवाब देने का टाइम है। कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटेगी, सड़कों पर है और जनता के मुद्दों को लेकर है, इसलिए जनता के मुद्दों के लिए आज
आज हम लड़ रहे हैं, चाहे जितनी पुलिस लगा दी है, लेकिन इन्हें सिलेंडर का प्राइस करना ही पड़ेगा। जब राजस्थान सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे सकती है तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं दे सकती? मुझे जवाब चाहिए इस बात का। क्या स्मृति ईरानी जी के पास जवाब है? मेरे साथ कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खावरी जी हैं, और सिलेंडर में जो 50 रुपए बढ़ाए गए हैं, कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़े हैं 350 रुपए के आसपास, मैं जानना चाहूँ क्या कांग्रेस का जो आगे रुख रहेगा? 50 रुपए घरेलू सिलेंडर पे, 350 रुपए कमर्शियल पे, और 23% जो बिजली का बिल बढ़ाने जा रहे हैं, दवाइयों के रेट बढ़ाने जा रहे हैं, ये किसके लिए? ये होली के पहले ये प्रदेश को तोहफा क्यों दिया गया? क्योंकि हम दो हमारे दो घाटे में जा रहे हैं, उनका घाटा पूरा करने के लिए ये सब प्रदेश की जनता के ऊपर बोझ डाला गया है। तो ये जो ये हम दो हमारे दो कौन है घाबरी जी? ये सब मालूम है, देश जानता है हम दो हमारे दो को। इन दो को बचाने के लिए प्रदेश की जनता के ऊपर जिस तरीके का जो तोहफा दिया गया है, ये प्रदेश की जनता इसको कबूल नहीं करना चाहती है। इसलिए प्रदर्शन करके सरकार को और राज्यपाल महोदया को ये आगाह करने जा रहे थे कि ये तोहफा हम नहीं झेल पाएंगे, इसे वापस कर लो। एक बात और, ये रायपुर अधिवेशन था आपका, इसमें क्या रहा अधिवेशन में? रायपुर अधिवेशन में तो हमारी पार्टी का संकल्प था, और पार्टी ने अपने मजबूती के लिए नियम बनाए हैं, प्रस्ताव आए हैं, ये हमारा संगठन का काम था। और आने वाले टाइम में अगर हम सरकार में आते तो हमें क्या क्या करना है, ये सब पर चर्चा होगी। 2024 का जो है क्या रहेगा आपका? जो 2024 में हम सरकार बनाएंगे। थैंक यू। तो ये थे बृजलाल खावरी जी, जिन्होंने बताया कि जो है 2024 में कांग्रेस जो है अपनी सरकार बनाने के लिए जो है उत्सुक है, और रायपुर अधिवेशन में भी इस पर काफ़ी कुछ विचार विमर्श हुआ है। वहीं महंगाई को लेकर के कांग्रेस सरकार का हर विरोध करेगी, और गैस सिलेंडर की दरों में बढ़ोतरी को लेकर आज के प्रदर्शन उन्होंने काफ़ी सफल बताया है। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। 2024 लोकसभा चुनाव से एन पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन ने सभी तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल प्रदेश कार्यालय लखनऊ में हारी हुई 14 लोकसभा सीटों को लेकर आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री के बाद दिल्ली की टीम में राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए सुनील बंसल को चुनाव में जीत दिलाने की जिम्मेदारी मिली है। उत्तर प्रदेश बीजेपी 80 लोकसभा सीटों में से 75 का टारगेट लेकर चल रही है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड के चुनाव परिणामों के लिए गिनती का काम जारी है। कुछ सीटों पर परिणाम घोषित भी हो चुके हैं। त्रिपुरा में बीजेपी रुझानों और परिणामों में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है, बहुमत भी हासिल कर चुकी है। नागालैंड की अगर बात करें तो बीजेपी एनडीपीपी के साथ मिलकर रुझानों और परिणामों में बहुमत पार कर चुकी है। मेघालय के रुझान और परिणामों में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। तो वहीं लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल है। इसके बाद त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में चुनावी नतीजों को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। नेताओं, कार्यकर्ताओं को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मिठाई खिलाई और मुबारकबाद भी दी है। ढोल नगाड़े बजाकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन ने सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल प्रदेश कार्यालय लखनऊ में हारी हुई 14 लोकसभा सीटों को लेकर आज समीक्षा बैठक करते नजर आए। संगठन के जो तमाम धड़े हैं उनको मजबूत करने का काम हो रहा है। प्रदेश संगठन महामंत्री के बाद दिल्ली की टीमों में राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए सुनील बंसल को चुनाव में जीत दिलाने की जिम्मेदारी मिली है। तो वहीं सपा बीजेपी की बैठक को लेकर कह रही है कि बीजेपी की बैठक उनका अपना आंतरिक मसला है। तो वहीं सपा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जब 2024 के चुनावों में जनता के बीच जाएगी तो जनता बीजेपी से जरूर जवाब मांगेगी। ये भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए संगठन की बैठक करती है, उनमें क्या बदलाव करती है, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन आज जनता भारतीय जनता पार्टी से सवाल जरूर पूछ रही है, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, किसानों की आय दुगनी करने को लेके, और 2024 का जब चुनाव आएगा जनता इन सवालों का जवाब जरूर भारतीय जनता पार्टी से चाहेगी। और समाजवादी पार्टी समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ एक मंच पे लाके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। सांसद वरुण गांधी ने गौ तस्करों को लेकर बरेली एसएसपी को पत्र लिखा है, जिसमें सांसद ने थाना अध्यक्ष के ड्राइवर पर गौकशी का आरोप लगाया। वरुण गांधी ने गौकशी के साथ साथ वसूली का भी आरोप लगाया है, और उन्होंने कहा कि इस गोरख धंधे में कई टॉप लेवल के अधिकारी भी शामिल हैं जिनके नाम उजागर होने चाहिए।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बांदा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 13वें संस्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापकों को सूर्य प्रताप शाही ने सम्मानित किया, साथ ही मेधावी छात्रों को भी सम्मानित करते नजर आए। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में एक और बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। एसएस गन हाउस के मालिक सैयद सफदर अली के मकान पर पीडीए बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। तो वहीं सैयद सफदर अली के बेटे ने कहा कि कार्रवाई की हमें कोई नोटिस नहीं मिली है और उमेश पाल हत्याकांड में हमारे पिता की कोई संलिप्तता नहीं है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि सैयद सफदर अली पर आर्म एनुनेशन का आरोप है। वहीं ये भी बता दें कि मौके पर धूमनगंज पुलिस पहुंची हुई है और आधे घंटे में घर खाली करने का नोटिस दिया गया है कि आधे घंटे के अंदर घर को खाली कर दिया जाए, क्योंकि पीडीए कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और निखत की मुलाकात के मामले में चित्रकूट जेल के अधीक्षक अशोक कुमार सागर और जेलर संतोष कुमार को हिरासत में लिया गया है। दो दिन पहले ही मामले में डिप्टी जेलर और मुलाकात प्रभारी चंद्रकला को गिरफ्तार किया गया था। चंद्रकला को लखनऊ के आशियाना कॉलोनी में उनके घर से अरेस्ट किया गया है। गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने में आम आदमी की जेब पर बड़ा असर पड़ा है। सरकार के इस फैसले का कांग्रेस जमकर विरोध कर रही है, साथ ही देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी भी हो रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार लगातार आम आदमी का जीना मुहाल कर रही है। पहले डीजल और पेट्रोल में दामों में वृद्धि की गई और अब गैस के दामों में वृद्धि करके आम आदमी की कमर तोड़ी जा रही है। उनका आरोप है कि मोदी सरकार आम आदमी की परवाह न करके अपने कुछ उद्योगपतियों की परवाह कर रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक गैस के बढ़े हुए दाम वापस नहीं लिए जाते, तब तक कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती रहेगी और आम आदमी को न्याय दिलाने का काम करेगी। देखिए एम फॉर मोदी और एम फॉर महंगाई, ये मोदी जी जो कह रहे थे नाले से गैस बना लें और ऐसी ऐसी इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया और सिलेंडर 1200 रुपए कर दिया है। राजस्थान में अभी सरकार ने वहां की 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया, शायद आपको पता हो। ये चीज दिखाइएगा आप न्यूज में कि 500 रुपए का सिलेंडर हो चुका है राजस्थान में, तो यहाँ की सरकार यहाँ पे क्यों लागू नहीं कर रही? जब तक यहाँ पे 500 रुपए का सिलेंडर लागू नहीं करेंगे, युवा कांग्रेस आवाज उठाती रहेगी अपनी पब्लिक के लिए। हमला और किया है कि 50 रुपए अचानक एकदम गैस के सिलेंडर बढ़ा दिए गए। हम नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं आज इस पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से कि मोदी जी आप सस्ता तेल, सस्ती गैस और सस्ते संसाधनों के नाम पर इस देश में सरकार में आए, और जब से आप इस देश में प्रधानमंत्री बने हैं लगातार आप गैस हो या पेट्रोल डीजल हो या रसोई में गैस के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में भी जोरदार प्रदर्शन किया। हल्द्वानी की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। केंद्र सरकार का पुतला दहन करते हुए गैस के बढ़े हुए दामों को तत्काल वापस लेने की मांग हुई है। विधायक सुमित हृदेश के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर लगातार महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया, तो वहीं महिला कार्यकर्ताओं ने भी लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाकर विरोध जताया है। इस दौरान विधायक सुमित हृदेश ने सर पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया। ये ऐसी निर्मम सरकार है कि लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है देश में, लगातार अर्थव्यवस्था डूब रही है, उसके बावजूद गैस जो किचन तक की मार है वहां तक ये कष्ट पहुंचाने का आम जनता को कार्य कर रही है। तो हमारी सरकार से मांग है कि आपको इतना भारी जो जनमत मिला है, आप उस जनमत का कम से कम ये सम्मान करिए कि गैस की जो रसोई सिलेंडर गैस है, जैसे आप देख रहे हैं हमारे जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ गैस के सिलेंडरों में सब्सिडी दे रही है, तो राज्य सरकार से भी हम मांग करते हैं कि अगर केंद्र सरकार आपकी नहीं सुन रही है तो कम से कम राज्य की सरकार इस सिलेंडर पर अवश्य सब्सिडी दे।
काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित नवीन कृषि मंडी गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने पीडब्ल्यूडी विभाग, पुलिस विभाग समेत तमाम विभागों को लगभग यानी कि 19 विभाग लगभग इस बैठक में शामिल थे। बैठक में मुख्यतः सबसे ज्यादा नगर क्षेत्र में आरओबी निर्माण के चलते यातायात व्यवस्था को लेकर समस्या के बारे में चर्चा हुई। साथ ही अमृत योजना के तहत चल रहे कार्यों के विषय में भी जानकारी हासिल की गई है। मैं अलग अलग विभागों को बुलाया है, इसमें 19 विभाग आए हैं और जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी हमने प्रोग्रेस को एग्जामिन करने का कार्य किया है। तो ज़्यादातर जो विभाग हैं जितना भी प्रोग्रेस है ठीक प्रोग्रेस। उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे और पोल गांव के बीच में बन रही सबसे लंबी सुरंग के अंदर काम के दौरान लगातार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, देखा जा सकता है कि किस तरीके से टनल के अंदर भारी भूस्खलन होने से मजदूर जान बचाकर भागे हैं। आपको बता दें कि 4.5 किलोमीटर तक बनने वाली उत्तराखंड की सबसे लंबी सुरंग है, जिसके काम को पूरा करने का लक्ष्य इसी साल का रखा गया है, लेकिन टनल के अंदर हो रहा भूस्खलन कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।